top story. 9 months after 23-year-old Nirbhaya was brutally gang raped, a fast-track court today has held all the four accused guilty. They've been convicted for gang rape, murder and destruction of evidence. The court now will be hearing the arguments on the quantum of punishment, in fact, to be served to them tomorrow at 11 a.m. The culprits have been convicted under all the sections that they were charged with. Let's get you all the reactions we've got so far on that story. Well, I'd welcome the judgment. I'm not saying it's a sense of satisfaction, but I think justice has been done. And the crime was so heinous and so terrible that any amount of punishment would probably be less. But we hope that the judge tomorrow gives whatever law allows as maximum punishment. There is a huge demand that what these guys deserve is death penalty. And there is a huge chorus. We've seen earlier in Parliament also, even Sushma Swaraj has spoken for death penalty for those accused of rape. Do you also hold that position and hope for that verdict quantum to be announced tomorrow? In this case, since the girl passed away, obviously the crime of murder is also applicable on these people. And so we just hope that the judge takes various things into consideration. Ultimately, it is the evidence presented and what the law states that the judge has to take into consideration. So let's leave it to him. दिल्ली गैंग रेप में जो दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन किया है उसकी भी यशस्विता है, और उसके बाद हमने जो कानून में बदलाव किए हैं, अभी ये तो पिछले कानून में हो गया, अभी जो भी इस तरह के एक्शन हो जाएगी तो उस पर कानून बड़ा तगड़ा कानून किया है, उसे फांसी ही दी जाएगी। दोषी तो पांचों ही थे, जो पांचवें को कम सजा दी उसी से हम दुखी हैं, इसलिए इन चारों को तो निश्चित तौर पे फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि आरोप इतना जघन्य है। और दोनों हो गए, अब तो गैंगरेप के साथ हत्या भी हो गई, तो रेप और हत्या में फांसी का प्रावधान हो, इसके लिए कानून भी पारित हो गया, तो नए कानून के तहत ये पहला केस होगा जिसमें फांसी की सजा दी जाए। और मैंने तो इस बार भी लोकसभा में कहा था कि अगर इन चार लोगों को फांसी की सजा हो जाएगी तो एक मॉडल बन जाएगा, और ये जो बलात्कारों की एक बाढ़ आ गई है वो रुकेगी। वेल, दिस वॉज रियली एन ओपन एंड शट केस, एंड देयरफॉर द वर्डिक्ट कुड नॉट हैव बीन एनीथिंग डिफरेंट। All the accused have been found guilty of rape and murder, as they should be. It is unfortunate because of the laxity of the Tihar jail administration. One of the main accused committed suicide in his cell. And we have to await the sentencing now. आज फिर भी लगी है कि हम जो सोच रहे हैं, क्योंकि वो जुबनाइल के चक्कर में जरूर उसको बचाया गया है, चाहे बच गया है, लेकिन ये जो बनाइल नहीं है, इनके ऊपर हर केस लागू हुआ है, मर्डर भी लागू है, चोरी का भी हुआ है, सब कुछ लागू हुआ है। तो इसका मतलब इनको अगर मौत की सजा ना मिली, फांसी की सजा से कम कुछ भी मिला, तो हमें माने नहीं है। तो जो आपने हमें सजा अभी तक आप मांगते चल रहे थे, वो आप अभी भी मानते हैं कि कल ही शायद वही आपका? हाँ, हम मौत के अलावा, फांसी के अलावा कुछ भी नहीं चाहते हैं, चाहे सूरज इधर का पूर्व को या पश्चिम को जाए, वो मंजूर है, लेकिन हमें चाहिए तो उनको सिर्फ फांसी। आपको लगता है फांसी से जो शायद एक शांति है जो आपको भी? हमारे को ही नहीं शांति मिलेगी, जो देश पूरा सड़क पे आ गया था उनके भी मन को सुकून और शांति मिलेगी। हर एक की नज़र, आप कहीं भी किसी के घर चले जाइए, सबकी निगाहें इस समय टेलीविज़न के किसी ऐसे जगह पर नहीं है कि जहाँ फिल्म आ रही है, चाहे कहीं कोई सीरियल आ रहा है, उनकी समाचार पे निगाहें हैं, चाहे कोई भी समाचार चल रहा हो। देखिए, जितनी हमारी बेटी की उम्र थी उससे कम उम्र में हम दिल्ली आए थे, और उस टाइम से अब तक हम यहीं हैं, यहीं रहते हैं। चलो घटनाएं तो बहुत होती हैं, पीछे भी हुई, लेकिन कभी हमने ऐसा नहीं सुना कि एक इंसान के साथ इंसान ऐसा करता है। तो हमारी तो सोच ये है कि जैसे ये घटना एक दुनिया में, इंडिया से बाहर, इंडिया में मिसाल बनी, बर्बरता का मिसाल दिया है उन मुजरिमों ने, तो हम इसी तरह हम सजा की भी मांग करते हैं, और इंसाफ की भी उम्मीद करते हैं कि इनकी एक ऐतिहासिक फैसला दिया जाए, और इसका जनता में इसका संदेश
जाए कि लोगों के मन में खौफ हो, कानून का खौफ हो, तो शायद आने वाले समय में इसका अच्छा परिणाम हो। आज जो फैसला आया है इससे मुझे लगता है कि पूरे देश में एक संदेश गया है कि इस तरह के अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दूसरी तरफ महिलाओं की भी न्याय के प्रति आस्था बढ़ी है कि आप अपराध करते हैं और फिर बच जाते हैं, कुल 4% फैसला आता है, तो ऐसे में कम से कम देश की महिलाएं अब न्यायालयों की तरफ देखेंगी और ये मन में उनके है कि हाँ, अगर हमारे साथ अपराध होता है तो एक तो हमारी हिम्मत बढ़ी है कि हम इस अपराध के बारे में बताएंगे। ये कोई सामाजिक शर्म की बात नहीं, अपराधी वो है जो अपराध करते हैं, ना कि महिलाएं जिन पर कि अपराध होता है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, पुलिस सोचती है कि अपराध जो रिपोर्ट कराने आने वाली महिला है उसकी कोई कमी है, उसमें ही कोई गलती है। तो ये बात अब साबित हो गई कि अपराधी हैं। अब कल ये हमें इंतजार है कि जो क्वांटम ऑफ जस्टिस है, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है, वो इस जस्टिस को प्रूव करेगा कि ये जो अपराधी हैं इनको कितनी कड़ी सजा मिली। All 4 rapists found guilty. All 4 guilty of rape and murder. Quantum of sentencing tomorrow. All the 4 accused are going to be held guilty under all the charges. The quantum of sentence will be pronounced tomorrow. Rapists found guilty. Justice for Nirbhaya. तो नए कानून के तहत ये पहला केस होगा जिसमें फांसी की सजा दी जाए। अब क्वांटम ऑफ पनिशमेंट इस केस से बेटर, ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट से डेथ पेनल्टी की तरफ जा सकता है, क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। कुछ ऐसी सजा देनी चाहिए कि सजा अपने आप में एक संदेशा पहुंचाए तमाम उन लोगों को जो इस तरह की हरकत करते हैं। We'll keep getting your